नमस्कार, फिर से एक बार पीएलसी बोले तो बेटर लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है भूतों के भय का खात्मा कैसे, यानी भूतों के डर से निजात कैसे पाए। बौद्धिक, तार्किक, मनोवैज्ञानिक और प्रभावशाली प्रश्नों के माध्यम से हम इसकी करेंगे पड़ताल और आपकी सोच में परिवर्तन लाने में ये वीडियो जरूर मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मनुष्य बुद्धिमान बंदा होता है, पर मनुष्य के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं के बराबर करता है या बहुत कम करता है। वह अंधविश्वासी होना पसंद करेगा लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम करेगा। अपना हाथ माथे की खोपड़िया यानी माथे को या खोपड़िया को खुजाने में बिल्कुल नहीं लगाता, प्रश्न तो करता ही नहीं। अगर प्रश्न खड़े करना शुरू कर दे तो काफी हद तक समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाए। जो समस्याएं हमारे अंधविश्वास के माध्यम से आती है या सिर्फ सहज विश्वास करने से आ जाती है, उनका समाधान संभव है। प्रकृति का यह नियम है कि जिसके पास भी शक्ति होती है वो अपना आधिपत्य जरूर जमाता है, अपनी सत्ता स्थापित करता है, अपना वर्चस्व कायम करता है। क्या भूतों की सत्ता है? क्या उनका आधिपत्य है? क्या उनका वर्चस्व है? नहीं ना। लगभग ये देखा गया है कि इस पूरे जगत में इंसानों की सत्ता है, उनका ही वर्चस्व है। जंगल की बात अलग है, लेकिन अब जंगल में भी। पर खैर, तो फिर भूतों की सत्ता या उनका वर्चस्व या उनका आधिपत्य नहीं है, तो फिर उन शक्तिशाली इंसान को डरने की जरूरत कहाँ है? दूसरी बात, प्रकृति का नियम है कि जो कोई किसी से डरता है वो उससे दूर भागता है या दूर रहता है। भूत कहाँ रहते हैं? इंसान की बस्ती से दूर, खंडरों में, पुरानी हवेलियों में, पीपल के पेड़ों में, शमशान में, कब्रिस्तान में, चमगादड़ों के साथ में, अंधेरे में, सुनसान में, यानी इंसान की बस्ती के साथ उजालों में नहीं रहना पसंद करते, वो चमगादड़ों के साथ अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो इंसानों से डरते हैं और उन डरपोक भूतों से हम डरते हैं। क्यों? आप पूछेंगे कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि वो वहाँ रहते हैं। दरअसल ये जानकारी हमने फिल्मों से, अपने परिवेश से, भूतों के प्रचार प्रचार से, कथा कहानियों से ही प्राप्त की है। तीसरी बात, जो अभिमंत्रित धागों से, ताबीजों से और मंत्र मात्र से भाग जाते हैं वे शक्तिशाली नहीं हो सकते, तो फिर उनसे डरने का क्या? तो चौथी बात, अगर हम उल्लू बनने के लिए तैयार है तो फिर भोपे जो भूत भगाने का दावा करते हैं वो अपना उल्लू सीधा करेंगे ही करेंगे और अपनी दुकान चलाएंगे। हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है जब हम उनसे दी हुई विधि लेकर के उस विधि के अनुसार भूत को भगाने का आयोजन करते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं पूछते कि जो भूत भगाने की असली विधि है वो हमें दे दो ताकि हम भी भूतों का काम तमाम कर दें। न हम ऐसा प्रश्न करते हैं, न वो हमें इस तरह की विधि देंगे, क्योंकि हमें ऐसी विधि लेने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला तो लेना नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में दाखिला तो लेने की जरूरत नहीं है। ये विधि जो उसने सीखी है जहाँ से, वो वहाँ से हमें भी दे सकता है, पर वो देगा नहीं और हम उनसे मांगेंगे नहीं। पांचवी बात, इन भूत भगाने वाले भूपों के पास या भूत भगाने वाले किसी स्थल विशेष पर सबसे ज्यादा भीड़ भड़ाका किनका रहता है? अशिक्षित लोगों का, गरीबों का, अनपढ़ का, कमजोरों का, बीमारों का और भूखे लोगों का, और खास मानसिक रोगियों का भी, तो इन लोगों का जमावड़ा रहता है। अब सोचो जरा, एक भूत टीबी के मरीज के पास क्या करेगा? टीबी के मरीज को खाएगा? टीबी नहीं हो जाएगी उसे? खाएगा या लगेगा, जो भी है भाई, संक्रामक रोग है, भूत को भी तो लग सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि ये बंदा एड्स से मरेगा, उसको भी भोपे लोग इत्यादि ये बता देते हैं कि इसको तो भूत लग गया, अब उसका कोई इलाज नहीं। अब और भूखे लोगों के पास वो क्या करते हैं? पौष्टिक या संतुलित आहार उन्होंने कभी लिया नहीं, वो तो बेचारे वैसे ही कमजोर है, फिर उन कमजोरों के साथ रहकर ये भूत भी कमजोर बन जाते होंगे। तो फिर ऐसे कमजोर भूतों से हम जैसे शक्तिशाली डरते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि पर प्रश्न खड़ा क्यों नहीं होता? छठी बात, तथाकथित तौर पर भूतों के भय से मरे हुए लोगों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि ये तो हृदय गति रुकने से मरे।
किसी भी हथियार के कोई भी निशान नहीं है, नाखून तक के भी नहीं, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं, बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल निहत्थे होते हैं, ऐसा अंदाज से कह सकते हैं, कोई हथियार काम में नहीं लिया, तो फिर हम वो मरा कैसे इंसान? डर से, भूत ने नहीं मारा, भूत के डर ने जरूर मारा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि सोचने का वक्त आ गया है। आखिरी बात, इन सब बातों का अर्थ इतना ही है कि अपनी खोपड़िया खोजाने का वक्त आ गया है। सवाल करो खुद से, भूत है भी कि नहीं है, या फिर अपनी दुकान चलाने के लिए हमारे डर का कहीं उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। अगर किसी के माथे पर फिर भी भूत सवार है इतनी बात सुनने के बाद में, तो फिर उसे दोबारा ये वीडियो सुनना चाहिए और अपनी अकल की धार पैनी करनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपके अब सोचने मात्र से भूत भाग रहे हो, तो भागते भूत की लंगोटी जरूर लेना। और हाँ, जाते जाते एक बात और, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा, ऐसे ही किसी विषयों पर अक्सर बातें होती रहेगी। धार्मिक हो तो यहाँ पर एक बेल आइकॉन दिया हुआ है, मतलब कि घंटा बजाते हुए जाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। मुझे समय देकर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।